सो हेलो एवरी वन इफ़ यू आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन एंड यू डू नॉट हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर देन यू हैव कम टू द एग्जैक्टली राइट प्लेस बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कवर ऑल द कन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी मैनर सो लेट एस बिगैन विद द इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ अ टर्म जो हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कई बार हमने अपने पेरेंट्स को अपने बड़ों को ये वर्ड यूज़ करते हुए सुना है कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली हम तब बनाते हैं जब हम किसी के साथ कोई एक ऐसी डील करते हैं या फिर किसी ऐसे ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं जिसके लिए हमें लगता है कि हमारे को एक डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए जिसमें हमने हर एक चीज़ की डिटेल लिखी होगी उस ट्रांजेक्शन के बारे में कि हमें किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करना है उस चीज़ के लिए हम कितने रुपए देंगे वो चीज़ हमें कब डिलीवर होगी या फिर वो चीज़ हमें पार्ट्स में डिलीवर होगी जो भी हमें ट्रांजेक्शन करनी है उसकी सभी डिटेल्स हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेनशन कर देते हैं ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट्स आर टू डिफरेंट वर्ड्स जिनको हम यूजअली इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं यानी कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बोलना होता है वहाँ अग्रीमेंट भी बोल देते हैं अग्रीमेंट बोलना होता है कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं बट आज हम इन दोनों वर्ड्स के बीच का भी डिफरेंस सीखेंगे सो लेट एस रीड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमर्शियल लॉ कमर्शियल लॉ क्या होता है ऐसा लॉ जहाँ पर आप लेने देने की ट्रांजेक्शन करते हैं कि ए ने बी को कुछ दिया बी ने ए को कुछ दिया कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स बिकॉज ऑल कमर्शियल लॉ ट्रांजेक्शन यूजली बिगिन विद अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सो हर कमर्शियल ट्रांजेक्शन हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट से बनती है आप अगर देखो कि किसी ने घर खरीदा हो तो घर खरीदने से पहले भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं जिसके अंदर हमारे को उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी होती है कब हमें डिलीवरी मिलेगी ये सब चीज़ें लिखी होती हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सेल परचेज और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट इन आर डे टू डे एक्टिविटीज इन सच इंस्टेंस एन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज नेसरी फॉर डिटर माइनिंग द राइट ऑब्लीगेशन एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज़ वैन दे एंटर इन टू एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन सो इसका मतलब क्या है डिटर माइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पता लगाना कि मेरे क्या राइट्स हैं मेरी क्या ऑब्लीगेशन्स हैं क्या लाइबिलिटीज हैं ये सब अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो अब आपको राइट्स ऑब्लिगेशंस का मीनिंग पता होगा कि सेलर और बायर के क्या क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं और आपको इन कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी हो जाएगी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया तो जिसमें भी हमारे सारे रूल्स लिखे हुए हैं वो कौन सा एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हैं कौन से इनवैलिड हैं, कौन से वॉइड हैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते उन सब की डिस्कशन भी हम अभी वीडियो में करेंगे सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेफर टू एन आई मतलब जब भी यहां लिखा होता ना रेफर्ड एज आईसीए इसका मतलब होता है कि जहां पर भी अब आईसीए लिखा होगा आगे तो उसका मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अग्रीमेंट अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा अग्रीमेंट लिखा है दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कोई एक अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल इट अ यानी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दो अलग अलग टर्म्स हैं ठीक है एनी अग्रीमेंट विच इजोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट एन अग्रीमेंट इन सिंपल वर्ड इज अ प्रोमिस ठीक है तो गाइज अगर मैं बोलूँ जो सिर्फ अग्रीमेंट है अकेले एक अग्रीमेंट सिर्फ एक प्रोमिस का, का काम करता है मेयर अ प्रोमिस लेकिन जब वो एनफोर्सिएबल भी हो जाता है लॉ के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एनफोर्सिएबल का मतलब होता है कि अगर आपका किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया यानी जो जो भी प्रॉमिस किया था वो ब्रीच हो गया तो अब आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो इसको बोलते हैं एनफोर्सिएबिलिटी ठीक है कि ब्रीच के टाइम पे आप कोर्ट में जा सकते हो तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब एक समझ लो कि एक लीगल एलिमेंट ऐड हो जाता है उसके अंदर इसकी और डिटेल्स मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊँगी आपको पूरा कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाएगा इसलिए कहते हैं कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स सब अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते क्योंकि जितने भी अग्रीमेंट्स होते हैं सब आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो लॉ से सो so बेसिकली अगर अग्रीमेंट सिर्फ एक प्रॉमिस है तो आप हर एक छोटे बड़े प्रॉमिस के लिए कोर्ट नहीं जा सकते जब तक कि वो इन्फोर्सिएबल ना हो और एक बार वो प्रॉमिस इन्फोर्सिएबल हो गया तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ठीक है सो so, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले वो क्या होता है एक अग्रीमेंट होता है और बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता क्योंकि हर अग्रीमेंट इनफोर्सिबल नहीं होता अब कौन सा अग्रीमेंट अनफोर्सीबल होता है और कौन सा नहीं होता है वो आगे आपको वीडियो में देख के बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ठीक है सो so, अग्रीमेंट्स यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ अग्रीमेंट्स मस्ट मीट अ सर्टिन क्राइटीरिया लाइक कंसिडरेशन अगर मैंने किसी को अपना घर बेचा है तो इन रिटर्न वो मुझे पैसे दे रहा है तो वो पैसे कंसिडरेशन है अगर मैंने किसी को अपना घर बेचा है इन रिटर्न वो मुझे अपनी कोई और चीज़ दे रहा है फॉर एग्जाम्पल अपना कोई फार्म हाउस दे रहा है तो वो फार्म हाउस मेरे लिए कंसिडरेशन है उस पूरे ट्रांजेक्शन का नाम है एक्सचेंज सो कंसिडरेशन होनी चाहिए पार्टीज मस्ट भी कंपीटेंट कंपीटेंट का मतलब क्या होता है कि पार्टीज़ एटीन प्लस होनी चाहिए एंड साउंड माइंड होना चाहिए पार्टीज़ का ठीक है फ्री कंसेंट यानी अब अगर मेरे से कोई ज़बरदस्ती बोले मेरे को गन पॉइंट पे रख के कोई बोले कि नहीं अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करे तो मैं आपको मार दूंगा तो मेरा वो कंसेंट तो है मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर्स तो कर दिए हैं बट वो जो कंसेंट मैंने दिया है वो अपनी फ्री विल से नहीं दिया है वो मैंने ज़बरदस्ती दिया है तो एक कॉन्ट्रैक्ट को इनफोर्सीबल कराने के लिए जो कंसेंट होता है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए यानी मैं किसी के दबाव में आके किसी के प्रेशर में आके किसी फियर में आके या किसी लव्ड वन को हार्म ना, ना हो जाए हार्म ना हो जाए उस लिए अगर मैं सिग्नेचर कर रही हूँ तो दैट इज़ नॉट फ्री कंसेंट बिटवीन पार्टीज लॉफुल ऑबजेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जो भी सब्जेक्ट uh, मैटर है uh, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का लेट सपोज कि कोई एक प्रॉपर्टी है ठीक है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में त कर सकती हूँ बट अगर जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रग्स हैं तो वो नॉट लीगली एनफोर्सिएबल है तो उसके लिए वो सिर्फ एक अग्रीमेंट है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट की शेप नहीं ले पाएगा एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेय वॉइड बाई लॉ एक्सप्रेसली हम मतलब होता है कि कहीं पर मैंशनड है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज कॉन्ट्रैक्ट इट इज इम्पोर्टेंट दैट परसन टू अ कॉन्ट्रैक्ट शूड ऑल्सो है इंटेंशन एंड माइंड सेट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट सो बेसिकली जो ये वाला पैराग्राफ है ना आप समझ लो कि इस पूरे चैप्टर की यह समरी है अगर ये वाला पूरे चैप्टर को करने के बाद अगर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना तो आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो आपको ऑलमोस्ट सब समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है अब आगे चलते हैं ये केस लो है बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919 का ये केस है एंड दिस केस आई टेल यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया तो इसको बहुत ढंग से करके जाना लेट एस अंडरस्टैंड इट जस्ट लाइक अ स्टोरी सो द वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ वर्स इन क्वेश्चन सो मैंने अभी क्या बताया कि हर अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया इसलिए इसका नाम सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि एंड में इसको एक वैलिड अग्रीमेंट नहीं बोला गया था ठीक है द वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट वॉज एंटेड इन टू अस्बैंड एंड वाइफ वॉज इन क्वेश्चन यानी हस्बैंड एंड वाइफ के आपस में कोई बात हुई उन्होंने अग्री किया कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को एक पर्टिकुलर अमाउंट की मेंटेनेंस देगा बट उनकी आपस में कोई लड़ाई हो गई जिसकी वजह से हस्बैंड ने वो मेंटेनेंस अमाउंट उनको देना अपनी वाइफ को बंद कर दिया जब बंद कर दिया तो वाइफ़ कोर्ट में जा क्या कहती है कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था जो इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है तो कोर्ट ने बोला कि जो अग्रीमेंट एंटर हुआ था हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हुआ था और हस्बैंड को जो वाइफ को मेंटेनेंस देनी है वो वो उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो इसलिए उसको हमने लीगली इन्फोर्सेबल नहीं माना था रीड करते हैं द वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज इन क्वेश्चन द हस्बैंड एंड वाइफ वेंट ऑन अ लीव टू इंग्लैंड एंड वाइफ फेल इल इन इंग्लैंड ठीक है इंग्लैंड घूमने जाते हैं वाइफ वहाँ बीमार हो जाती है द डॉक्टर्स हु ट्रीटेड द वाइफ एडवाइज हर टू टेक फुल बेड रेस्ट एंड रिमेन इन इंग्लैंड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट वहाँ पे वाइफ बीमार हो गई तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप अपना यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाओ वाइफ इंग्लैंड में रह गई व्हेन द लीव वाज ओवर द हजबैंड वेंट टू साइलॉन वेयर ही वॉज एम्प्लॉयड एंड प्रोमिस टू सेंड अ सम ऑफ थर्टी पाउंड वाइफ एवरी मंथ फॉर हर स्टे इन इंग्लैंड तो जहाँ वो रहते थे हसबैंड वहाँ वापस चला गया और उन्होंने वहाँ पर प्रोमिस करा कि वहाँ से मैं अपनी वाइफ को यानी आपको थर्टी पाउंड्स एवरी मंथ भेजूंगा तो उसने कुछ टाइम तक वो जो अमाउंट था वो भेजता रहा ठीक है लेटर ऑन डिफरेंसिज एंड मिसअरस्टैंडिंग्स बिटवीन दैम हैपन्ड द हजबैंड स्टॉप सेंडिंग द अमाउंट वाइफ इनिशियटेड एक्शन टू रिकवर अरियर्स ड्यू टू हर अरियर्स यानी जो भी अमाउंट उसको ड्यू था मतलब जितने महीने भी उसने मेंटेनेंस नहीं सेंड करी होगी वो सारी मेंटेनेंस अब उसने एक सूट करा उसके अंदर उसने रिकवरी मांग ली उसकी बट द कोर्ट डिसमिस्ड इट ऑन द ग्राउंड दैट द अग्रीमेंट एंटर्ड इन टू बिटवीन हजबेंड एंड वाइफ वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट तो कोर्ट ने जो ड्यूज थे वो सब डिसमिस कर दिए थे और कहा था कि जो भी बात थी हस्बैंड और वाइफ के बीच में दैट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज जस्ट एन अग्रीमेंट द अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वाज ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन यानी उन्होंने बोला कि जो भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में बात हुई थी वो सिर्फ हस्बैंड की मॉरल ऑब्लीगेशन थी द पार्टीज नेवर इंटेंडेड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो शो कर सके कि जो हस्बैंड है वो अब लीगली बाउंड है वाइफ को देने के लिए पैसे तो दिस डिसीजन क्लियरली शोज दैट अग्रीमेंट दैट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन आर ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दोज अग्रीमेंट दैट डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है मतलब अगर आपको किसी के साथ एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको उसके साथ एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपको उसके अंदर लीगल एलिमेंट्स डालने होंगे जो आगे पूरे चैप्टर में आपको समझ में आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप हम सारे डिस्कस करेंगे सो बेसिकली लीगल ऑब्लिगेशन को आप ऐसे समझो कि अगर आज मैंने कोई कंपनी खोली है अब मेरे पास कोई पर्सन आता है एम्प्लॉयमेंट के लिए अब मैंने उसको हायर कर लिया तो उसके और मेरे बीच में एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म हो गया कि वो मेरे लिए काम करेगा और इन रिटर्न मैं उसको सैलरी दूंगी तो हमारे बीच में एक पूरा अग्रीमेंट होगा जिसमें मेरी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखी होंगे वर्किंग कंडीशनस लिखी होंगी मेरी उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन हैं इन रिटर्न वो मुझे अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन्स बताएगा तो ये जो अग्रीमेंट होता है अच्छा और ये सब चीज़ें ना आपको अपनी कॉमन सेंस से सोचनी पड़ेंगी क्या ये लीगल रिलेशनशिप है या ये नहीं है सो so ये जो रिलेशनशिप था ये एक सिर्फ अग्रीमेंट था बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ कि आप मुझे पैसे देना अब अगर वो बीमार हो गई या उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और हस्बैंड ने उसको पैसे देना बंद कर दिया तो इसमें कोई भी उनकी ऐसी इंटेंशन नज़र नहीं आ रही है कि हस्बैंड उसमें लीगली ऑब्लिगेटेड हो उसको पैसे देने के लिए नहीं बट अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मैं अपने एम्प्लॉयी को पैसा देना बंद कर दूँ तो वो मुझे सू कर सकता है क्यों बिकॉज मैं यहाँ पर लीगली ऑब्लीगेटेड हूँ उसको पैसे देने के लिए सो so, ये हर रिलेशनशिप को देखते हुए आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं आप लीगल रिलेशनशिप है और कौन सी चीज़ें लीगल रिलेशनशिप नहीं है बट ये आप आगे जब इसके प्रिंसिपल्स पढ़ोगे सारे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर ये सारे प्रिंसिपल्स पूरे हो रहे होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे नहीं हो रहे होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा नेक्स्ट द मेकिंग ऑफ एन अग्रीमेंट जनरल प्रिंसिपल्स अब अग्रीमेंट बनाने के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं द फॉलोइंग चार्ट डिपिक्ट एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब ये जो चार्ट है ना एवरी इस चार्ट के ऊपर जो मैं छोटी छोटे पॉइंटर्स लिखूंगी ना वो आप लोग अपने बुक्स में या अपने रजिस्टर्स में अगर आपने ये चार्ट बनाया हुआ है तो उसके साथ साथ लिख लेना आपको एंड मोमेंट रिविजन पर बहुत ईजी होंगे ठीक है सो so, अब मैं फटाफट से इसके ऊपर सारे के सारे जो पॉइंटर्स हैं वो लिख देती हूँ आप लोग वीडियो पॉज करके अपने रजिस्टर्स में अपनी कॉपीज़ में कहीं पर भी बस वो भी वो चीज़ें नोट डाउन कर लेना सो so, अब आप सब ये टर्म्स अपने अपने बुक्स में ऐसे लिख लेना लास्ट मिनट रिविजन में आपको हेल्प करेगा और इसका जो मीनिंग है ना कि मैंने ये सब यहाँ क्यों लिखा है ये आपको जब ये आप सारे डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये सबको मैंने बेसिकली शॉर्ट करके लिख दिया है सो so, सबसे पहला है वी आर स्टार्टिंग विद ऑफ़र ऑफर क्या होता है ऑफ़र को आप प्रपोजल भी कह सकते हो और इसका ही एक पार्ट है एक्सेप्टेंस समझ लो कि ऑफर का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस सिंपल बात है कि अगर मुझे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं सबसे पहले उसको बताऊंगी अपनी इंटेंशन शो करूंगी कि हाँ मुझे आपके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है सो द ऑफर और प्रपोजल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स टू डू और नॉट टू डू टू डू और नॉट टू डू का मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ये काम कर दो मैंने किसी एक्स पर्सन को कह दिया कि आप मेरी कंपनी में एज एम्प्लॉय वर्क कर लो मैं चाहती हूँ आपको अपनी कंपनी में एम्प्लॉय रखना और टू नॉट टू डू मैं आप किसी के साथ एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लूँ कि आपके घर के पास जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उससे मुझे प्रॉब्लम होती है तो जिस टाइम पर हम रात को सो रहे होते हैं उस टाइम पर आप कंस्ट्रक्शन मत करवाया करो तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी कि पॉजिटिव मीन्स कि आप किसी को कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और नेगेटिव मीन्स कि आप किसी को कोई चीज़ करने से रोक रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इट इज़ कॉल्ड एन ऑफर इस चीज़ को हम ऑफर कहते हैं जिसमें हमने अपनी इंटेंशन दिखा दी है कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए विलिंग विलेंगे ये सेक्शन टू ऑफ आई सी एम गिवन है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफ़र इज़ कॉल्ड द ऑफरर तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया कि ऑफ़र कौन बनाता है ऑफरर ठीक है द पर्सन टू होम द ऑफ़र इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी तो जिसको भी आप ऑफर करोगे वो सामने वाला बंदा है ऑफरी और ये जो ऑफरी है यही बोलेगा कि वो ही आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए रेडी है या नहीं है द ऑफर मस्ट बी गिवन विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप तो आपको उसी टाइम बता देना वहीं बोल देना है कि मेरा इंटेंशन है आपके साथ लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने का ठीक है बिकॉज ये एक एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का ठीक है एन असेंट और कंसेंट गिवन टू एन ऑफर बाय द ऑफरी इज नोन एज एक्सेप्टेंस बाय से और क्लिकिंग ऑन आई एग्री ऑन एन ऑफर ऑनबसाइट ऑल्सो अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस कि अगर मैंने कोई फॉर एग्जाम्पल हम कितनी बार कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो हम उसके अंदर लिखते हैं ना कि आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस सो सो वेबसाइट या जो भी चीजें हैं तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट एन ऑफर वेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन अग्रीमेंट तो सिंपल सी बात है कि अब हम इसको ऐसे समझ लो कि कोई ऑफर है जब उसमें एक्सेप्टेंस हो गई तो अब इस स्टेज पे हमने एक अग्रीमेंट फॉर्म कर लिया फिर जब यही सेम अग्रीमेंट में हम इसको एनफोर्सेबल बाय लॉ बना देते हैं ये बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया अग्रीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोमिस तो यहां पर ये सिर्फ एक मेयर प्रॉमिस है अभी तक इसके अंदर कोई लीगल एलिमेंट नहीं है जब आप इसको एनफोर्सिबल करा सकते हो तब ये कॉन्ट्रैक्ट की शेप ले लेता है ठीक है अब इसकी एक इलस्ट्रेशन है वो आप पढ़ेंगे इससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी ए एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस टू सेल हिज कॉटेज टू बी ए ने बी को बोला कि मेरा एक कॉटेज है मैं आपको सेल करना चाहता हूँ पाँच लाख रुपए में अब ये जो पाँच लाख रुपए है यहाँ पे इससे हम बोलेंगे कंसिडरेशन क्यों क्योंकि वो कॉटेज के बदले में उसे क्या दे रहा है पांच लाख रुपए हेयर ए इज विलिंगनेस इज कॉल्ड ऑफर अब ए ने यहाँ पे बी को क्या दिया है ऑफर ए इज द ऑफरर एंड बी इज द ऑफरी बी एक्सेप्ट द ऑफर टू परचेज द कॉटेज दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस अब बी ने जब एक्सेप्टेंस दे दी एक्सेप्टेंस कौन देगा ऑफरी ठीक है तो इसको हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे जब उसने अपनी विलिंगनेस दिखा दी कि हाँ रेडियो परचेज करने के लिए ऑफर एक्सेप्टेड बाय बी बिकम्स एन अग्रीमेंट तो अभी ये सिर्फ क्या बना है अग्रीमेंट अभी इसने कॉन्ट्रैक्ट का शेप नहीं लिया है ठीक है एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन मतलब ऑफर और def, मतलब डेफिनेट और सर्टेन का मतलब है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो if the offer and acceptance is not clear enough to conclude as a contract it is considered as invalid agar aapka contract clear nahi hai to wo contract jo hai in wo to wo agreement jo hai wo invalid ho jayega also an offer and acceptance must be communicated to other person in order to be valid ab अब A ने B को बोला आप मेरा cottage ले लो अब B अपने मन में ही हाँ बोल के बैठ गया उसने A को नहीं बताया कि उसका मन है उसने सीधा सोच लिया कि अच्छा हाँ ए ने मेरे को बोला ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया अब ये जो उसकी एक्सेप्टेंस है उसको ए को जाके बतानी पड़ेगी कि जी मैं आपका ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ और अब ये जो कम्युनिकेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है जैसे कि ई में उसको भी हम एक वैलिड कम्युनिकेशन मानेंगे एन ऑफर लैपसेज बाय रिवोकेशन और विड्रॉल एनी ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस तो ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इसको याद रखना एन ऑफर लैप्सिस बायोकेशन रेवोकेशन मतलब अगर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेती हूँ या कैंसिल कर देती हूँ ठीक है इसको बोलेंगे विड्रोल और रिवोकेशन ठीक है अब मैं अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकती हूँ या विड्रॉ कर सकती हूँ जब तक मुझे उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है अब फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि आप मेरे कॉटेज ले लो बी ए ने उसको एक लेटर लिख के दिया था जिसमें उसने उसको ऑफर दी थी कॉटेज की अब बी के पास ये लेटर दो दिन से पड़ा है और उसने उसको कोई एक्सेप्टेंस कन्वे नहीं करी है ठीक है अब ए वेट कर रहा है इतनी देर में इसको एक और बायर मिलता है सी उसको बी दे रहा था फाइव लाख रुपीस, सी ने उसकी ऑफ़र सिक्स लाख रुपीस की एक्सेप्ट कर ली ठीक है तो उसको लगा कि अब मेरे पास ये बेटर ऑप्शन है तो अगर तो बी ने अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट कर दी होगी ए को कि हाँ मैं रेडी यूँ तो फिर ये अग्रीमेंट बन गया है ठीक है तब ए उससे पीछे नहीं हट सकता लेकिन अब दो दिन से ये रख के बैठा हुआ है अपने पास इसने इसको कन्वे नहीं किया कि ये अग्री करता है एंटर करने में या नहीं करता उतनी देर में इसने सी के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया और बी को एक लेटर भेज दिया कि मैं अपना ऑफर जो है वो रिवोक करता हूं यानी विड्रॉ करता हूं उस केस में बी ए के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि अभी तक बी ने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी थी तो इन शॉर्ट अगर ए ने बी को ऑफर दिया है बी ने अगर उसको एक्सेप्टेंस दे दिया तो अब ए जो है अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता लेकिन अगर बी ने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो एक्सेप्टेंस से पहले कभी भी ए उसको अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है अब इसके अंदर एक और इंग्लिश केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस इसको भी आप ध्यान से पढ़ना द कंपनी वॉज द मैन्युफैक्चर ऑफ अ मेडिसिन कॉल्ड स्मोक बॉल विच वॉज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा खांसी को भी बोलते हैं जो बहुत एक बुरी खांसी होती है तो कंपनी उसकी मेडिसिन बनाती थी कंपनी बिलीव दैट द मेडिसिन कम्प्लीटली क्योर्ड इन्फ्लुएंजा तो कंपनी ने क्या बोला कि जो मेडिसिन है वो इन्फ्लुएंजा को बिल्कुल ठीक कर देगी और दोबारा आप एक बार ले लोगे ना तो आपको लाइफ में दोबारा इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा ठीक है तो कंपनी ने ये भी कहा कि अगर किसी को मेडिसिन लेने के बाद दोबारा इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम उनको एक सौ पाउंड का रिवॉर्ड देंगे ठीक है और शर्त क्या थी कि आपको जो मेडिसिन है वो कॉन्टीन्यूसली फिफ्टीन डेज के लिए यूज़ करनी है ठीक है ठीक है अब इस चीज़ को अब देखो इंटेंशन टू एंटर इन टू अ लीगल रिलेशनशिप अब यहाँ कैसे पता चल रही है इन्होंने जो सौ पाउंड देने के वादा किया था उसको दिखाने के लिए कि हम एक्चुअली रेडी हैं आपको पे करने के लिए उन्होंने हज़ार पाउंड जो है अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करे और बोला कि इन हज़ार पाउंड में से हम उस बंदे को सौ पाउंड देंगे जिसको दोबारा इन्फ्लुएंजा हो गया मेडिसिन को फिफ्टीन डेज यूज करने के बाद भी ठीक है अलायंस बैंक में उन्होंने ये पैसे रखवाए सीइंग सच एडवर्टीजमेंट मिसिज कार्लिल बॉट द स्मोक बॉल मेडिसिन कब मिसिस कार्लिल ने खरीदी मेडिसिन यूज करी एज पर डायरेक्शन ठीक है बट मिसिस कार्लिल गॉट अ फ्रेश एपिसोड ऑफ इन्फ्लुएंजा लेकिन उन्हें दोबारा इन्फ्लुएंजा हो गया मिसिस कार्लिल स्यूट द कंपनी एंड उन्होंने बोला कि भाई अब मुझे रिवॉर्ड दो सौ पाउंड का मुझे तो दोबारा हो गया अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो बड़ी चलाक थी उन्होंने तीन चीज़ें क्लेम करी वन टू थ्री ध्यान से सुनना उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप कि हम तो ऐसे ही कर रहे थे ये तो सिर्फ इसलिए था कि हम जो है अपनी मेडिसिन की प्रमोशन कर सकें तो हमने ऐसे ही बोल दिया था हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की ठीक है दूसरा इन्होंने क्या बोला द एडवर्टीजमेंट वॉज नॉट एन ऑफ़र कहते कि हमने कोई ऑफर नहीं करी थी आपको ये तो सिर्फ हमने एक पर्टिकुलरली बात बोल दी थी हम आपके घर थोड़ी ना आए थे कि आप हमसे खरीद लो हमने तो जनरली बोल दिया था कि आप मेडिसिन ले लो हमने आपको कभी ऑफर लिख के भेजा और प्लस आपने क्या हमें अपने कोई एक्सेप्टेंस दी क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना तो हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती एग्रीमेंट नहीं बन पाता ठीक है तो इन्होंने बोला कि आपने कोई एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट नहीं करी थी तो इसलिए हम बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ठीक है द कोर्ट रिजेक्टेड दीज कंटेंशन ऑफ द कंपनी एंड अलाउड मिसेज कार्लेल टू क्लेम हंड्रेड पाउंडस कोर्ट ने ये तीनों ही कंटेंशन जो हैं डिफेंडेंट की वो रिजेक्ट कर दी थी अब कोर्ट ने क्या बोला था कि जो आपने हज़ार पाउंड जो हैं बैंक के अंदर डिपॉजिट कराए हैं वो इस चीज़ का एविडेंस है कंपनी की, की इंटेंशन थी लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने की, ठीक है विद एनी वन एक्सेप्टेड दिस ऑफर और उन्होंने बोला था कि ये जनरल ऑफर है कि जिसने भी ऑफर को एक्सेप्ट किया है ये जो वन थाउजेंड पाउंड डिपॉजिट हुए हैं ये उन सब के लिए हैं एन ऑफर कैन ऑल्सो बी मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज जरूरी नहीं है कि मैं ऑफर जाकर सिर्फ एक एक्स बंदे को साथ कर सकती हूँ अगर मैं यहां पे आके बोलूँ कि आज के दिन मेरे दुकान से जो भी ये दस रुपये वाला पेन खरीदेगा मैं उसको ये एक पाँच रुपये वाला बॉल पेन फ्री दूंगी तो ये ऑफर एट लार्ज है अब मैं ये किसी को बोलूं कि नहीं मैंने तो सिर्फ एक्स को दिए है मैंने तो सिर्फ वाई को दिए है नहीं आज के दिन जितने भी लोग मेरी शॉप में आएंगे ये ऑफर उन सब के लिए है ठीक है इसको हम जनरल ऑफ़र बोलते हैं और ये वैलिड होता है इन केस ऑफ जनरल ऑफर देर इज़ नो नीड फॉर कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस इस केस में आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है मेरली फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर इटसेल्फ ट्रीटेड इट एज़ एक्सेप्टेंस टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट कि आपने जो है उसकी कंडीशंस फुलफिल कर ली वो ही कॉन्ट्रैक्ट है और इस केस में क्या कंडीशंस थी कि आपको 15 डेज तक रेगुलर कंजम्पशन करनी है ठीक है अब बात करते हैं कंसीडरेशन के बारे में जो मैं आपको ऑलरेडी एक दो बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का बचा नहीं है जो भी है थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ नॉट वैलिड अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कॉटेज सेल करने के लिए बट बी ने उसको कोई कॉन् कंसिडरेशन नहीं दी तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानोगे कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न इसका क्या मतलब होता है कि बदले में आपको कुछ देना है फॉर दी ऑफर कंसिडरेशन कैन बी द नेचर ऑफ एक्ट और फॉरबियरेंस एक्ट मतलब करना फॉरबियरेंस मतलब किसी चीज़ को करने से रुकना ठीक है द जनरल रूल इज़ दैट एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर किसी अग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं लिखे यानी देखो बेसिकली वो कहते हैं हैंड इन हैंड होता है एक चीज़ आप मुझे दो और एक चीज़ मैं आपको दूंगी अगर मैं आपको घर दे रही हूँ तो आप मुझे पैसे दो अगर मैं आपको घर दे रही हूँ तो आप मुझे फार्म दो वन पर्सन हैज टू गिव समथिंग एंड वन पर्सन हैज़ टू टेक समथिंग दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है अगर ए अपना हाउस दे रहा है तो उसको पैसे मिल रहे हैं अगर बी पैसे दे रहा है तो उसको हाउस मिल रहा है तो दोनों कुछ ना कुछ दे रहे हैं और दोनों कुछ ना कुछ पा रहे हैं तो ये जो कंसिडरेशन है ये म्यूचुअल होती है दोनों को कुछ ना कुछ देना होता है लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है कि जब हम कंसिडरेशन नहीं देते हैं वो एक्सेप्शन होता है एक गिफ्ट का जहाँ पर अगर मैं किसी को कोई चीज़ गिफ्ट देती हूँ यानी आउट ऑफ लव देती हूँ तो वहां पे मुझे कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है कंसिडरेशन बस इतना ही है आगे इसको रीड कर लेते हैं वन पार्टी इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम अदर विदाउट गिविंग एनीथिंग टू द अदर देयर शुड ऑलवेज बी अ म्यूचुअल कंसिडरेशन दोनों कुछ कुछ देंगे इन अदर वर्ड्स ईच पार्टी मस्ट गिव एंड ऑल्सो टेक दोनों कुछ ना कुछ देंगे और कुछ ना कुछ, ना कुछ लेंगे इसके क्या एक्सेप्शन हैं वो आप देख लो सच एज रिटर्न एंड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव इज़ नॉट वॉइड आउट ऑफ नैचुरल लव ठीक है इवन इफ इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन मैंने आज अपने बेटे को अपना एक प्रॉपर्टी थी वो गिफ्ट कर दी तो मैं उसको तो नहीं बोलूँगी कि लाओ भाई मुझे पैसे दो क्यों क्योंकि क्यों मैंने उसे आउट ऑफ नेचुरल लव दिया कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट शुड बी रियल अब मेरी मर्जी है कि मैं इस घर के आज इस घर की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है पाँच लाख बट अगर मैं उसे दो लाख में भी बेचूँ तो मेरी मर्जी मेरा घर तो कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है कितनी कंसिडरेशन है वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो हमारा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है और पार्टीज जो होती हैं फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के खुद बना सकती है मेरी मर्जी है मैं कॉन्ट्रैक्ट दो लाख का करूँ पाँच लाख का करूँ पाँच लाख की प्रॉपर्टी को दस लाख में बेच दूँ वो सब मेरी मर्जी है ठीक है आगे चलेंगे कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन चाहे मैं पहले दे दूँ मेरे को जो भी चीज़ मिलेगी उसी टाइम दे दूँ या चीज़ मिलने के बाद दे दूँ वो मेरी मर्जी है बट जो कंसिडरेशन होती है वो इलीगल इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए इलीगल यानी कंसिडरेशन में मैंने बदले में कह के ड्रग्स दे दिया आपको वो नहीं हो सकता इमॉरल यानी कोई गलत काम कर दिया किसी को कुछ नुकसान पहुंचा दिया ऐसी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ठीक है ऐसी कोई भी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए इलास्ट्रेशन देख लेते हैं ए ऑफर्स टू सेल हिज कार फोर रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड टू बी ए ने अब बी को ऑफर दिया फिफ्टी थाउजेंड का बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर अब यह क्या बन गया अग्रीमेंट बन गया ऑफर और एक्सेप्टेंस होते इन दिस केस दंसिडरेशन ऑफ ए इज हिज कार एंड देशन ऑफ बीज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज एक फॉर लव एंडचुरल जहाँ पे भी लव एंड नैचुरल अफेक्शन आ जाए इसका मतलब यहाँ पे गिफ्ट की बात हो रही है प्रोमिस टू गिव हि सन बी वन थाउजेंड ए पुट्स हिज प्रोमिस टू बिन राइटिंग एंड रजिस्टर्स इट ठीक है अब ए ने अपने इस प्रोमिस को रजिस्टर करा लिया दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एबसेंस ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक इट वर्ड अब उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट लिख के रजिस्टर करवा दिया बट इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है बट फिर भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है क्यों क्योंकि ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है और इसको हम क्या बोलेंगे गिफ्ट अब ये एक केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव एटीन एटी का ये केस है द प्लेंटिव कंस्ट्रक्टेड सम शॉप्स एट रिक्वेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन टाउन अच्छा अब इसका जो मैं डायग्राम बनाऊंगी ना उसको ध्यान से देखना जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसने एक और रिक्वेस्ट करा कि ये टाउन है इस टाउन में आप कुछ शॉप्स बनाओ ठीक है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ए से रिक्वेस्ट करी द कंस्ट्रक्टेड गिवन फॉर रेंट फॉर डूइंग टू द डिफेंडेंट अब इन शॉप्स का क्या होगा अब इन शॉप्स को हमें रेंट पे देना पड़ेगा तो इन सभी शॉप्स को हमने रेंट पे दिया डिफेंडेंट को हमने सारी शॉप्स इसको रेंट पे दे दी कि यहाँ पे ही क्या करेगा अपना बिजनेस करेगा तो रिक्वेस्ट इसने करी बनाया इसने और रेंट पे मिली इन्हें ठीक है आगे पढ़ेंगे द डिफेंडेंट अपार्ट फ्रॉम द रेंट प्रोमिस्ड टू गिव फाइव परसेंट टू कमीशन टू प्लेंटिफ ऑन ऑन आर्टिकल्स सोल्ड थ्रू द शॉप इन कंसिडरेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट स्पेंड बाय प्लेंटिफ इन कंस्ट्रक्शन यानी कि अब ए ने बनाई तो ए ही इनको रेंट पे देगा तो अब डिफेंडेंट ने क्या बोला कि आपने इतनी मेहनत से ये शॉप बनाई है तो मैं आपको रेंट तो दूंगा ही दूंगा प्लस फ़ाइव परसेंट ना कमीशन दूंगा जितना भी मेरा सामान सेल होगा उसमें से ठीक है अब रेंट तो क्या है उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि भाई अब आप उसके दु, उसकी दुकान यूज़ कर रहे हो तो आप रेंट दोगे लेकिन ये जो फ़ाइव परसेंट कमीशन है ये तो वो अपनी मर्जी से दे रहा है उसको किसी ने नहीं बोला कि आप दो उसको किसी ने नहीं बोला ना कि आप फ़ाइव परसेंट कमीशन दो द डिफेंडेंट फेल टू पे द कमीशन एंड द प्लेंटिव इनिशिएटेड एक्शन टू रिकवर कमीशन अब जब उसने कमीशन नहीं दी तो ए ने क्या किया उस पर सूट कर दिया अब रेंट देना तो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है पर जो वो कमीशन दे रहा है वो अपनी मर्जी से दे रहा है वो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो द कोर्ट रिजेक्टेड द एक्शन ऑफ द प्लेंटिव ऑन द ग्राउंड दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप वॉज जनरेटेड डिजायर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पहली बात तो ये जो कंस्ट्रक्ट हुई है इसको क्या किसने बोला था कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एंड नॉट ऑन द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट एंड देयर वॉज नो कंसिडरेशन टू गिव कमीशन इसलिए डिफेंडेंट जो है वो कमीशन देने के लिए आपको लाइबल नहीं है अकॉर्डिंग देर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू पे कमीशन टू द प्लेटिफ जो डिफेंडेंट है वो ए को खाली रेंट देगा और कमीशन नहीं देगा वो दे रहा है तो अपनी मर्जी से दे रहा है बट उसको आप लीगली एन्फोर्स नहीं करा सकते कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि उसे बोलो कि वो मुझे कमीशन दे नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी कोई भी बंदा जो 18 ईयर्स से अबव है कंपिटेंट टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट एंड माइनर आर नॉट कम टू एंटर इंटू अंट्रैक्ट अठारह साल से नीचे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते बस इसके अंदर एक एक्सेप्शन है उसको याद रखना इफ आ माइनर एंटरज इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द एनफोर्समेंट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेनिफिशल फॉर द माइनर अब एक सिंपल चीज़ है माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा फॉर एग्जाम्पल बहुत ठंड है अब उसने एक जैकेट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसने उसको जिससे जैकेट खरीदी उसको पैसे दे दिए अब जिससे जैकेट खरीदी वो कह रहे है कि भाई तुम तो माइनर हो तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर तुम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते तो मैं नहीं देता तुम्हें जैकेट जाओ जो करना है कर लो बट इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर के लिए बेनिफिशियल है प्लस उसने अपना जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा कर लिया इतनी कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है जैकेट एक छोटी सी चीज़ है और माइनर के लिए बेनिफिशियल भी है तो इस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर एंटर कर सकता है बट अगर कोई ऐसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर करोड़ों की कोई डील है जिसमें बहुत समझ की ज़रूरत है ऐसे ऐसी चीज जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट माइनर को पागल बना के करी जा सकती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो माइनर ने करे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते हैं ठीक है अ पर्सन शुड ऑल्सो हैव साउंड माइंड एटीन से ऊपर होने के साथ साथ उसका साउंड माइंड होना चाहिए एंड शुड नॉट बी डिस्कवालीफाइड बाय लॉ इन फोर्स क्या होता है कई इसके भी एग्जाम्पल अभी नीचे पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ़ पर्सन इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेकिंग रैशनल जजमेंट ही सेट टू हैव अ साउंड माइंड अब साउंड माइंड कैसे पता चलेगा है या नहीं अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट बद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं वो उसको समझ में आ रही हैं तो उसका साउंड माइंड है अब कौन से लोग हैं जो कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो माइनर पर्सन है माइनर कौन अट्ठारह साल से कम अनसाउंड माइंड

कन्विक्स गिलते लोग जिनको पनिशमेंट हो चुकी है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते कोई कॉरपोरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती जैसे कि कोई एक चीज़ जो गवर्नमेंट लेवल पर है बैरिस्टर्स जैसे कि हाईकोर्ट के एडवोकेट्स हो गए ठीक है ये लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर पर्सनस डिसकॉलीफाइड बाई लॉ ये सब आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो इलस्ट्रेशन ए एक मेजर है ऑफर्स टू सेल इज कोर्ट थ्री थाउजेंड टू बी बी एक्सेप्ट ऑफर एंड पेज थ्री थाउजेंड ए स्टेट दैट द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद माइनर हैंड सेम एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन करा है इन दिस केस इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटेड इन टू विद द माइनर इट इज़ एनफोर्सेबल बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल टू द माइनर एंड माइनर हैज परफॉर्म्ड इज पार्ट ऑफ अप्लीगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट की बात करते हैं कंसेंट का मतलब है कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया किसी के दबाव में नहीं किया किसी ने मुझे गन पॉइंट में नहीं रखा किसी ने मेरे को बेवकूफ़ नहीं बनाया किसी ने मेरे को झूठ नहीं बोला किसी ने मेरे साथ फ्रॉड नहीं करा या फिर मैंने गलती से कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करा है मैं बिल्कुल होशो आवाज़ में थी मुझे एक एक चीज़ पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हुई है कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैंने अपने प्रॉपर होशो आवाज़ में सही तरीके से कंसेंट नहीं दिया है तो वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता अच्छा इसको कंसेंट का मतलब होता है वेन टू परसन्स अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस इट इज़ टर्म्ड एज़ कंसेंट ये इसकी डेफिनेशन है कंसेंट शुड बी फ्री एंड नॉट कॉज बाई कोर्जन कोर्जन यानी ज़बरदस्ती अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी बाबा ने मुझे पागल बना दिया मैं उनके इन्फ्लुएंस में आ गई मिस रिप्रेजेंटेशन किसी ने था कुछ और मुझे दिखा कुछ और दिया पागल बना के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फ्रॉड कर दिया मैंने गलती से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया इन सब चीज़ों से अगर मेरा कंसेंट ऑप्टेन किया गया है तो फिर वो वॉयडेबल है वॉयडेबल का मतलब क्या होता है कि अब एक बार मैंने कंसेंट नहीं दिया बट अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बाद में मुझे लगे कि चलिए ठीक है जो हुआ ठीक है कुछ नहीं होता जो है ठीक है तो वो कंसेंट वैलिड है बट अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ है अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पे भी वॉयडेबल होता है ना तो जो अग्रीव्ड पार्टी होती है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करा सकता है और वैलिड भी करा सकता है तो अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे साथ बहुत गलत हुआ है तो मैं कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करा सकती हूँ अगर मैं चाहूँ कि नहीं यार ठीक है जो हुआ सो हुआ मैं ऐसे इसको परफॉर्म कर देती हूँ तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है ए थ्रेटन्स टू किल बी इफ ही डज नॉट सेल इज हाउस टू ए बट आउट बी आउट ऑफ फियर साइंस द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग हाउस हेयर द कंसेंट ऑफ बी इज नॉट फ्री बी कैन लेटर अवॉयड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज कंपेल्ड टू अग्री एंड कंसेंट वॉज नॉट फ्री ठीक है बाद में अगर बी चाहे तो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि जी मेरे से जो घर इन्होंने बिकवाया है वो ऐसे ऐसे धमकी दे के बिकवाया है अगर चाहे तो ना जाए अगर नहीं जाता तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अगर चाहे तो कोर्ट में चला जाए वो अवॉइड वो बन जाएगा ऐसी चीज़ों को बोलते हैं अवॉयडेबल ठीक है वॉयडेबल का मतलब होता है एट दी ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है वो इसे वॉयड करा सकता है अगर वो सोचे कि नहीं कराना तो वैलिड है अच्छा जी अनलॉफुल अग्रीमेंट्स इलीगल सबको पता है इमोरल क्या हुआ कि मैंने ए के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए ने बी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि सी को मार दो ये तो सही नहीं है ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं कर सकते हो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल माइनर्स हैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं कर सकते वेजर वेजर यानी किसी चीज़ पे शर्तें लगाना या फिर कोई चीज़ जो कि श्योर नहीं है कि होगी या नहीं होगी अनसर्टेन जैसे कि लोग जुआ खेलते हैं इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज़ टू परफॉर्म एन अनलॉफुल एक्ट तो ये जितने भी एक्ट्स हैं ये सारे अनलॉफुल एक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं ठीक है तो जो ऑब्जेक्ट है किसी भी अग्रीमेंट का वो कुछ ऐसा है कि उसके रिज़ल्ट में आप जो एक्ट करोगे वो अनलॉफुल है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अन यानी वो अनफोर्सिएबल है मतलब वो सिर्फ़ अग्रीमेंट रह जाएगा द ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट शुड नॉट बी इ लीगल इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इलास्ट्रेशन ए एंटर्स इन टू एन अग्रीमेंट विद बी टू शेयर प्रॉफिट बाई गिविंग फॉल्स एश्योरेंस टू द पब्लिक टू गेट दम अ जॉब इन सिंगापुर मतलब ए ने बी के साथ कोई अग्रीमेंट करा ठीक है ऐसा अग्रीमेंट था कि जिसमें ये दोनों इकट्ठे कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सबको एक फॉल्स एश्योरेंस मिलेगी कि उनको सिंगापुर में जॉब दे रहे हैं ठीक है इन दोनों को पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं बट फिर भी ये दोनों ने ऐसा अग्रीमेंट में फिर भी ये दोनों ऐसे अग्रीमेंट में एंटर हुए हैं जिससे ये लोगों को पागल बना रहे हैं द अग्रीमेंट इन्वॉल्व चीटिंग विच इज़ अ फ्रॉड्यूलेंट एक्ट एंड द अग्रीमेंट इज़ अनलॉफुल एंड है वॉइड वॉइड मतलब नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अग्रीमेंट्स एंटर्ड इन टू विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ऑफ स्टेट आर सेट टू हैव एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर अनलॉफुल अग्रीमेंट्स बाय मेकिंग दैम अन इन्फोर्सिएबल जो भी ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जिसका रिजल्ट जो है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होता है यानी आप स्टेट के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हो ऐसे अग्रीमेंट्स भी अनएनफोर्सेबल होते हैं इलस्ट्रेशन ए अग्रीज टू गिवन थाउजेंड टू बी एज पेनल्टी इफ माइनर डॉटर इज नॉट गिवन टू ए इन मैरिज ठीक है ए ने अग्री करा बी को कि मैं तुमको हजार रुपए दूंगा अब जो माइनर है उसकी वेडिंग कर सकते हो नहीं कर सकते क्यों क्योंकि दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी तो वो कह रहे हैं कि ए बी को हजार रुपए देगा अगर उसने अपने माइनर डॉटर की शादी नहीं करी तो अब उसने अपने माइनर डॉटर की शादी अगर नहीं करी तो क्या ए जाके ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करा सकता बिकॉज इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ठीक है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अग्रीमेंट एंटर इन टू बाई वे ऑफ वेजर आर नॉट एनफोर्सिएबल ठीक है वेजर क्या होता है कोई चीज जिसके लिए आप जिसमें रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है ठीक है वेजर इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेर अ पर्सन प्रोमिस टू पे द अदर मनी ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट यहाँ पे जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है जैसे मैं बोल दूँ कि अगर इंडिया मैच जीतेगी तो मैं तुम्हें हजार रुपये दूंगी ठीक है अगर पाकिस्तान जीती तो तुम मुझे हज़ार रुपये देना इस क्यों इसमें क्या होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस इन्वॉल्व होता है कि अगर हुआ तो मैं दूंगी अगर अब मैं बोल दूं कि अगर हेड्स आया तो तुम मुझे सौ रुपये देना अगर टेल्स आया तो मैं तुम्हें सौ रुपये दूंगी इसमें क्या हो रहा है शर्त लग रही है कोई इवेंट है जो होगा तो ज़रूर अब मैच है मैच का रिज़ल्ट आएगा तो ज़रूर टॉस है टॉस होकर हमें ज़रूर पता लगेगा कि हेड्स आया या टेल्स आया अब उसके अंदर हमने एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस करा लिया कि अगर ये रिजल्ट आया तो तुम मुझे पैसे देना ये रिजल्ट आया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा वे दर इज लाइक अ बेट वेयर द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इज द कंडीशन ऑन विच द प्रोमिस डिपेंड्स कंडीशन क्या है वो अनसर्टेन इवेंट ठीक है हेड जाया टेल जाया वो कंडीशन है किसके पैसे देने की ठीक है इलस्ट्रेशन ए अग्रीज टू गिव वन थाउजेंड टू बी इफ इंडिया विन्थ द मैजन ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट बी अग्रीज टू एट द सेम इफ इंडिया डज नॉट विन द मैच द अग्रीमेंट इज़ वेजर एंड इट इज़ वाइड ठीक है अब कोई सट्टे में हार गया पैसे तो वो कोर्ट चला जाए कि जी इसने मेरे से सट्टा लगाया था और ये अब पैसे नहीं दे रहा है तो ऐसे अग्रीमेंट्स कोर्ट एनफोर्सेबल नहीं मानती तो आप अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों में कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजर और कंटेंजेंट के बीच का डिफ्रेंस ज़रूर लर्न कर लेना ये एग्ज़ाम में कई बार ही आ जाता है सारे पॉइंट्स लर्न करना सो so, सारे पॉइंट्स के याद कर लेना कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब हुआ इट कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कि अगर आज बारिश हो गई तो तुम जाकर पकौड़े ले आना अगर बारिश नहीं हुई तो तुम मत लाना विच इज़ कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई होती है कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी एनफोर्सड अनटिल द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स यानी अब जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तुम पकौड़े नहीं लाओगे अगर मैं कह दूँ कि अगर तुम फुल मार्क्स ले आए तो मैं तुमको ये गिफ्ट दे दूँगी सो so, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने की कंडीशन क्या हो गई मेरे फुल मार्क्स लेके आना जो ये कंडीशन होती हैं ना ये वैलिड कंडीशन होती हैं ये हम लॉ के साथ इनफोर्सिएबल करा सकते हैं ए अग्रीज टू सेल हिज लैंड टू बी इफ ही विन्स द केस इन्वॉल्विंग इज़ फार्म लैंड कि ठीक है तुम्हें मेरे फार्म चाहिए ले लेना मैं तुम पर केस कर देता हूँ अगर तुम जीत गए तो फार्म तुम्हारा हो गया दिस इज अ केस ऑफ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ज ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इज विनिंग द केस अब दोनों में डिफरेंस क्या है वेजर क्या होता है एक इनवैलड कॉन्ट्रैक्ट है जो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वैलिड होते हैं इन वेजर देयर इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल प्रोमिस कि अगर ये हुआ तो तुम मुझे देना ये नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दूंगा कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेसिप्रोकल प्रोमिस नहीं होता थर्ड पार्टीज डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन द वेजर इसके अंदर क्या है थर्ड पार्टीज मे हैव इंटरेस्ट इन द कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है थर्ड पार्टी के भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो वेजर इज कंटिजेंट इन नेचर बट कंटेंजन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर वेजरिंग ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में ठीक है तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिख सकते हो कि जो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंटेंजेंट वाला भी और वेजरिंग वाला भी दोनों ही बेस्ड तो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर है कि हमें दोनों ही नहीं पता कि इवेंट कैसे होंगे बट जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसका जो पर्पज़ होता है ना वो लेजिटिमेट पर्पज़ होता है लेकिन जो वेजरिंग अग्रीमेंट होता है वो एसेंशियली बेट्स में या फिर इलीगल होता है या फिर चांस पे बेस्ड होता है बेसिकली जो वेजर वाला होता है ना इट इज़ बेस्ड ऑन चांस लेकिन जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वेजरिंग कभी भी नहीं होते हैं क्यों क्योंकि दे आर नॉट बेस्ड ऑन चांस वो लक पे या बेटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं ठीक है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेरी इजी जब डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म हो जाना फिनिश या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना अब ख़त्म हम कैसे भी कर सकते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट था वो परफॉर्म हमने कर दी डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो गई जिससे आप अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को जो गुड्स दिए थे वो समुद्र समुद्र से आ रहे थे शिप में अब वो शिप ही बीच में टूट गई सारा सामान समुद्र में गिर गया अब इम्पॉसिबल हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम हर चीज़ को करने का एक लिमिट होता है अगर मैं लिख दूँ कि दो दो दिन में अगर तुमने ये मेरे ये गुड्स डिलीवर कर दिए तो ठीक है वरना मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसल डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ़ लॉ कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि आज हम जिस गुड्स में डील कर रहे हैं वो सब लीगल हैं बट कल ही कोई गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी आ जाए जो उन गुड्स को इलीगल डिक्लेयर कर दे तो अब क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट हमारा बेकार हो जाएगा तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा ना करना अगर मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं ये ये गुड्स तुम्हें डिलीवर करूँगी अब मैं नहीं कर रही मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया पैसे ले बैठ गई बट तुम्हारे गुड्स डिलीवर नहीं करे इसे इससे क्या होगा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा इस केस में मुझे आप लोगों को डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे क्योंकि अब ऐसे तो नहीं कर सकती मैं तो अब आप कोर्ट जाओगे अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराने फिर कोर्ट मुझे ऑर्डर करेगा कि मैं आपको जो भी नुकसान हुआ है उसे उसके डैमेजेस पे करूं म्यूचुअल ऑफ पार्टीज आर क्रिएटेड इन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट म्यूचअल ऑब्लीगेशन ऑफ पार्टीज आर क्रिएटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बताता है दोनों पार्टीज की म्यूचुअल ऑब्लीगेश क्या क्या है वैन द म्यूचुअल ऑब्लीगेशन ऑफ द पार्टीज आर फुलफिल जब दोनों ने अपना पार्ट प्ले कर दिया है द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड वैन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंडेड इट इज सेट टू बी डिस्चार्ज इन अदर वर्ड डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज्रेक्ट टर्मिनेशन यानी एंड किस तरह से हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कैसे आपने अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दी इलस्ट्रेशन ए ऑफर्स टू सेल हिज डाइनिंग सेट टू बी फॉर दस हजार रुपए बी ने टेन थाउजेंड दिए ए ने उसको डाइनिंग सेट दे दिया दोनों का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बाय परफॉर्मेंस दोनों ने जो जो अग्री किया था वो कर दिया डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट अग्रीमेंट नोवेशन नोवेशन क्या होता है जब एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी से पाँच हज़ार रुपये लेने हैं वेयर एज सी ने बी को पाँच हज़ार रुपये देने हैं ठीक है तो अब बी बोल सकता है सी को कि सीधा वो तुम पाँच हज़ार ए को दे दो ठीक है अब बी की लाइबिलिटी तो डिस्चार्ज हो गई बट करी किसने सी ने कि उसने बोला मुझे पाँच हज़ार देने के बजाय तुम ए को पाँच हज़ार दे दो क्योंकि मैंने उसके देने ही है तो दिस इज कॉल्ड नोवेशन नोवेशन का मतलब होता है अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सिट्यूटेड फॉर दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट अब जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी का वो किससे सब्सटीट्यूट हो गया न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सी एंड ए से रिसेशन सर्टेन टर्म्स और ऑल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसल्ड कुछ टर्म्स थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसको अब हमने डिसाइड किया कि हम वो वो वाली टर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे अब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कई ऑब्लिगेशन हो सकती हैं मेरी कि मैं ये भी करूँगी ये भी करूँगी बट हम म्यूचुअली डिसाइड कर लें कि ये जो तीन ऑब्लीगेशन थी ये मैं फुलफिल नहीं करूँगी मैं सिर्फ ये सारी फुलफ़िल करूँगी या फिर हो सकता है कि हम ये डिसाइड कर लें कि अब इनमें से कोई भी ऑब्लिगेशन मैं फुलफिल नहीं करूँगी ऑल्टरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं यानी कि आपने इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करें हैं जैसे पहले हो सकता है कि मेरे को फोर टन की डिलीवरी करनी हो चेंजेस के बाद अब आप बोलो कि नहीं आप सिर्फ टू टन डिलीवर करो है ना रेमिशन एक्सेप्टेंस इज़ मेड टू प्रोमिस बट नॉट ऑन द कम्प्लीट टर्म्स ऑफ प्रामिस बट टू अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिस आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ काम करूँगी बट मैं सिर्फ इन टर्म्स पे आपकी चीज़ों पे अग्री करती हूँ इस पर नहीं करती इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर मैंने एक्सेप्टेंस से पहले ही आपको बोल दिया कि ये मैं इतना ही अग्री करती हूँ ये वाला मैं अग्री नहीं करती पार्ट बट यहाँ पे हमारा अग्रीमेंट हो चुका है अग्रीमेंट होने के बाद फिर हम दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड कर पा रहे कर रहे हैं कि ये परफॉर्म नहीं होगा और ये परफॉर्म होगा वेवर पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट अबेंडन देयर म्यूचुअल राइट्स हम दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हमें नहीं करना ख़त्म करो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ही अभी मर्जर सर्टेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर मर्ज हो सकता है कि हमारे बीच में दो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हों अब उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं मर्ज करके एक कॉन्ट्रैक्ट बना दूँ है ना या फिर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज ना करूँ इसके दो तीन पार्ट्स इस में इसमें मर्ज कर दूँ और इस वाले को ख़त्म ही कर दूँ है ना इलस्ट्रेशन ए एंटर्स इंटू अग्रीमेंट विद बी फॉर बाइंग सर्टेन मशीन पार्ट्स फॉर देयर प्रोजेक्ट बिफोर द अग्रीमेंट एंड एंड बी चेंज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्लूड दो टर्म्स इन द अग्रीमेंट दिस इज अ केस ऑफ डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट अगला है डिस्चार्ज बायपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम इम्पॉसिबल विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ पार्टीज का क्या मीनिंग हुआ कि अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि जी आपकी ये शिप है ठीक है इसके अंदर समुद्र के अंदर अब ये यहाँ पे डूब गई ज़रूरी थोड़ी है ए ने यहाँ से गुड्स भेजे ये बी के पास जा रहे हैं इनको पता ही चल जाए कि हाँ जी ये हो गया हो सकता है कि कई बार इसकी नॉलेज में या इसकी नॉलेज में ना हो लेकिन जैसे ही ये जो शिप है ये डूबी उसी सा उसी टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया ठीक है इट कैन ऑल्सो बिकम इम्पॉसिबल सब्सिक्वेंटली आफ्टर पार्टीज हैव एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों इस केस के अंदर ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं ना उसके बाद ये जो भी हुआ है ख़राब हुआ है इट कैन ऑल्सो हैपन बाय सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग सुपर विनिंग का मतलब होता है नॉट नोन बिफोर या फिर आपने नहीं सोचा होता जो कोई चीज़ हो जाएगी इमेजिनेबल आप बोल दो या फिर आप बोल सकते हो इसको बेसिकली अनफोरसिन कि आपने आप कोई सोच सकता है कि भाई हमने ऐसे कंटेनर भेजा है कंटेनर ऐसे पानी में ही डूब जाएगा ऐसा कोई नहीं सोच सकता ना कि होगा तो ये सारी सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कैसे हो सकता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो शिप वाले एग्जाम्पल या जो सामान बेचा वो ही डिस्ट्रॉय हो गया डेथ और इनकेपैसिटी अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद ए मर गया नहीं कर सकता ना वो परफॉर्म किया उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई अब वो इनकेपेबल है टू परफॉर्म नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स हैविंग एन इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसी चीज़ हो जाती है वही जैसे कि अब कोई लॉ चेंज हो जाए तो आप इनडायरेक्टली आपका कॉन्ट्रैक्ट उससे इफेक्ट हो गया ना कि आज मैं जिन गुड्स में डील कर रही हूँ वो लीगल है कल को गवर्नमेंट बोल दे कि इन गुड्स में डील करना इलीगल है तो स्टेट ऑफ थिंग्स चेंज हो गई आउटब्रेक ऑफ वॉर चेंजेस एंड अमेंडमेंट इन लॉ अब वॉर हो जाए तो ऑफकोर्स हर एक एक्टिविटी बंद हो जाएगी इलास्ट्रेशन एक्स अग्रीड टू सेल हिज कार टू वाई फॉर रुपीज़ वन लैक एंड डिलीवर इट आफ्टर टू मंथ्स ठीक है एक वीक बाद एक्समेट विद एन एक्सीडेंट एंड कार गोट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एज द कार वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ये भाई शिप वाला एग्जाम्पल सेम आप इसमें रिलेट कर सकते हो लैप्स ऑफ टाइम भाई अब हर काम को विद इन टाइम ही करोगे ना अ कॉन्ट्रैक्ट शुड भी परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम कॉल पीरियड ऑफ लिमिटेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्मड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द अदर पार्टी डज नॉट रिजॉर्ट एनी एक्शन विद इन द लिमिटेशन पीरियड देन ही इज डिप्राइव्ड ऑफ इस रेमेडी मतलब मैंने कोई काम नहीं करा स्पेसिफाइड टाइम में अब आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ख़त्म हो गया फॉर एग्जाम्पल मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा और जिस दिन मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा जिस दिन मुझे करना था वो डेट थी दो में अब मैं पाँच साल बाद कोर्ट में जा रही हूँ उसको इनफोर्स कराने तो कोर्ट बोलेगा कि भैया आप इतनी लेट आए हो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया है या तो एक विद इन रीजनेबल टाइम जाओ ना आप आज आपके साथ कोई चीज़ हुई है आप एक महीने बाद चले जाओ दो महीने बाद चले जाओ आप पाँच साल बाद जा रहे हो कोर्ट तो वेली नहीं है कि आपके काम करती रहेगी बैठी रहेगी नहीं कर सकती ऑपरेशन ऑफ लॉ डेथ ऑफ आइदर ऑफ पार्टीज किसी की भी हो सकते हैं इंसोलवेंसी कोई पार्टी इंसोलवेंसी हो गई यानी दिवालिया ठीक है मर्जर हो गया कॉन्ट्रैक्ट्स का मर्जर का मतलब मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ अनऑथोराइज ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट कि अनऑथोराइज मतलब कि कोई चीज़ ऐसी है जो ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है अब ए ने बी को नहीं बताया और टर्म्स को चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक नई टर्म ऐड कर दी बी अन अवेयर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब फेलियर टू परफॉर्म किसी भी रीजन से मैंने नहीं करा अपनी जो ऑब्लिगेशन थी उसको पूरी वेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट परफॉर्म इज पार्ट ऑफ अब्लिगेशन ड्यू टू विच द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट टूट गया द पर्सन हु सफर्स बिकॉज ऑफ द ब्रीच इज एंटाइटल टू रिसीव कॉम्पनसेशन और डैमेजेस अब मैंने अपना काम नहीं करा मेरे काम ना करने की वजह से आपको पाँच छः लाख रुपये का लॉस हो गया अब वो पाँच छः लाख रुपये का लॉस मेरी वजह से हुआ है तो देगा कौन मैं ठीक है तो वो कॉम्पन्सेशन वो बंदा देगा जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया ए अग्रीज़ टू सप्लाई बीस लीटर ऑफ ऑयल टू बी फर्स्ट जून को उसने बोला था मैं कर दूंगा फर्स्ट जून को उसने सप्लाई नहीं करा ऑयल तो इसलिए ए ने ब्रीज कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट सपोज ए हैज सप्लाईड द ऑयल बट बी डज़ नॉट एक्सेप्ट द ऑयल देन बी हैज़ ब्रीज द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कि ए ने तो सप्लाई कर दिया ऑयल लेकिन बी ने रिसीव करने से मना कर दिया अब ए ने तो इतना सारा ऑयल कहीं से तो मंगवाया होगा क्या तो प्रोड्यूस किया होगा अब वो उसके किसी काम का नहीं है तो इस केस में बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो अब पहले केस में ए कॉम्पन्सेशन देगा दूसरे केस में बी कॉम्पन्शन देगा जो अपनी बात पूरी नहीं करेगा कॉम्पनसेशन वो ही बंदा देगा डैमेजेस डैमेजेस क्या होते हैं जब भी कोई बंदा अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो वो दूसरे बंदे को डैमेजेस देता है तो इसके हम बोलते हैं इट इज़ अ रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडी इज अ मीन्स गिवन बाय लॉ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ अ पर्सन अ कॉमन रेमिडी फॉर ब्रीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डिंग डैमेजेस इमोनीटरी कॉम्पनसेशन दिया जाता है टू द अफेक्टेड पार्टी फॉर लॉस और इंजरी या कई बार ऐसा होता है मेरे कुछ ना आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं करा जिसकी वजह से मुझे कोई फिजिकल इंजरी हो गई तो अब जो भी उसका खर्चा होगा उसका कॉम्पनसेशन सारा कौन दोगे मुझे आप दोगे द ऑब्जेक्टिव अफॉर्डिंग डैमेजेस By the court is to put the injured party in the same position as he would have been, if the contract had not been breached. अब इसका purpose क्या होता है कि damages deke हम कोशिश करते हैं कि जिस पार्टी के राइट्स वायलेट हुए हैं हम उसको उसी सेम कंडीशन पे ले आएँ जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से उसकी पहले कंडीशन थी अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट लॉ इट इज कॉल्ड द डॉक्टरिन ऑफ रेस्टिट्यूशन

B is entitled for damages from A for the loss that he suffered because of non delivery of 20 bags of rice. Okay? So, with this, we come to the end of this chapter. I hope that the major concepts of contract law are now clear to you. In case you have any doubts or any further queries, you can definitely mention it in the comment box and I will make sure to answer each one of you. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to our channel and share the video with your friends and family who you think will also find it helpful. Thank you very much. See you in the next video.